ले ले सुरेंद्र से भाई, किसी को नमस्कार। सिटी पोस्ट पे आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ वसीम। कल आरजेडी कार्यालय के पास कट को बंद करने को लेकर के विवाद हुआ था। उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद वहां पर पहुंच करके काफ़ी कुछ नीतीश कुमार के ऊपर बोले थे, लेकिन आरजेडी कार्यालय से कुछ दूरी पर ही जेडीयू का कार्यालय है और आज इस कार्यालय पे नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं। बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद लगातार चौथी या पाँचवीं बार सीएम यहाँ पर खुद पहुँचे हैं और यहाँ पर अपने आज वो 100 कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम कुछ देर पहले यहाँ पे पहुँचे हैं और आपको हम दिखाएंगे जेडीयू कार्यालय के अंदर का नज़ारा, जो यहाँ पे सीएम पहुँचे हुए हैं और उनके साथ और भी कुछ लोग हैं। बिहार चुनाव के लगातार परिणाम के बाद सीएम का यहाँ पहुँचना और अपने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना ये बहुत खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले जब बिहार चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार थे तो उस टाइम इतना वो पार्टी कार्यालय नहीं आते थे जितना वो इस बार बिहार चुनाव के बाद यहाँ आ चुके हैं। इससे पहले वो प्रदेश कार्यकारिणी हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो, सभी में शामिल हुए थे और जेडीयू के बड़े बड़े जो नेता हैं और बिहार प्रदेश के बाहर जो जितने नेता हैं वो सब इस बैठक में शामिल हुए थे और आज जो है 100 कार्यकर्ताओं से मिलने नीतीश कुमार यहाँ पहुँचे हैं। और इससे पहले भी जब अरुणाचल का मामला हुआ था, जो जेडीयू के 6 विधायक जो है बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसको लेकर के काफ़ी बयानबाजी हुई दोनों तरफ से, बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के तरफ से। आरजेडी भी इस पर बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन उसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार पे काफ़ी चर्चाएं हुई। मंत्रिमंडल का भी बिहार में अब विस्तार हो गया है। उसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब नीतीश कुमार यहाँ पहली बार पहुँचे हैं और देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इस बैठक में क्या कुछ चर्चा करते हैं और क्या उनके द्वारा बात कही जाती है, क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि सरकार जो है कभी भी स्थिर हो सकती है और सब कुछ जो है बीजेपी जेडीयू के बीच सब कुछ जो है ठीक नहीं है। उसके साथ सहयोगी दल है जैसे कि जीतन राम मांझी की पार्टी है और मुकेश सहनी की पार्टी है, वो बार बार जो है प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं करना चाहती है और वो मांग रखते हैं कि उनके दल के किसी और नेता को भी मंत्री बनाया जाए और एक MLC का पद भी दिया जाए। लगातार जो है मांगी जाती है मुकेश सहनी के तरफ से और जीतन राम मांझी के तरफ से, लेकिन इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। और अभी जो है एक और मामला है कि राज्यपाल कोटे से जो 12 MLC का चुना जाना है उसमें जीतन राम मांझी भी मांग कर रहे हैं कि उनको एक MLC पद दिया जाए और मुकेश सहनी भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि 50-50 के फॉर्मूले पर बीजेपी और जेडीयू के बीच बंटवारा होती है MLC के सीटों का, या उसमें से मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी को भी दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर भी आज चर्चा होने की कवायद है नीतीश कुमार के द्वारा। लेकिन अब जब नीतीश कुमार बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हैं तो क्या कुछ उनका बात सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। आपको हम लगातार इस बैठक की अपडेट देते रहेंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। धन्यवाद। यूनिसेक्स सलून, ग्रैंड अपार्टमेंट, फ्रेजर रोड, डाक बंगला रोड, पटना।